तो चलिए, एक लड़का था जिससे मैं काफ़ी अक्सर बात करता था। ऐसा नहीं कि मैं कोई कहानी यहाँ पे सुना रहा हूँ, ये हकीकत वाली रियल स्टोरी है। एक लड़का था जिससे मैं काफ़ी मर्तबा बात करता था क्योंकि वो मेरा एक सब्सक्राइबर था और जब मैं शायद 6000 सब्सक्राइबर्स मेरे थे और तब से वो मुझे फॉलो कर रहा था। फिर बात करते 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 मुझे पता चला कि वो मेरे नज़दीक वाले एक गाँव का एक लड़का है, सिंधे कला करके एक गाँव है, वहीं का एक लड़का है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ करता था कि दिन में 2-3 बार मेरे से रोज़ाना बात किया करता था। तो फिर मैं एक लिमिट होता है यार, मतलब होता है कि मतलब फ्रस्ट्रेशन का भी एक लेवल होता है, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि आपको पता है जब गांव में क्या होता है, लोगों को घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, राइट? कुछ जो पैसा जो मिलता है उस पैसे से उसके पिताजी ने उसको दे दिया था कि बेटा तू जा अपना पढ़ाई कर करके। वो किया, पढ़ाई किया, बट उससे नहीं हो पाया। फिर अचानक 3 महीने गायब हो गया, 3-4 महीने गायब हो गया, और उसके बाद अचानक एक दिन कॉल आता है और बोलता है कि भैया मैंने ज़िंदगी में कोई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया था, कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया था, और मैंने ज़िंदगी में पहला ही प्रिलिम्स क्वालिफाई किया और उसी का ही मेंस क्वालिफाई किया और उसी का ही इंटरव्यू मैंने दिलाया और आज मैं SBI PO बन चुका हूँ। ये सुनते साथ मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे गूज़बम्प्स आने लगा। मुझे लगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे एक पल में लगा कि शायद लड़का मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत वाली बात है कि आज वो लड़का SBI PO बन चुका है। तो कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अंदर जो हमेशा बोलता हूँ ना कि जुनून, ऐसे कई ऐसे स्टोरीज़ हैं आप लोगों, अरे यार भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या जिनसे मैं बात करता हूँ आप लिखो कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स से अछूता हूँ, है ना। तो आज का जो थंबनेल आपने देखा है कि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में, मैं ये स्टोरी को क्यों अंदर मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सपना देख रहे हो सिर्फ प्रीलिम्स का, लोग बैठे हैं जब सपना देख रहे हैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप एक सपना देखते हो तो जो विनर होता है वो आपसे 3-4 कदम आगे का सोचता है, आप तो इसी में सीमित हो जाते हो, वो उसी में सिलेक्शन ले जाता है। यही वाजा फ़र्क होता है दोस्तों, वाजा यानी बड़ा फ़र्क होता है जो शायद आप महसूस नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा वीडियो आ जाए कि हमने जितना अटेम्प्ट किया है उतना ही हमारा कट ऑफ हो, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, है ना। ये हमेशा ध्यान रख के चलिए कि आप खुद में कट ऑफ बनाने वाले इंसान होते हैं। आप कट ऑफ कोई पहले से डिसाइड करें, आप उसको लांग के पार हो जाएं, दैट इज़ ए मिस्ट्री। ये एक मिस्ट्री है जो शायद होगा, ये नहीं होगा, किसी को नहीं पता। यार हमेशा ट्राई करो ना कि अगर आपने 100 बनाया, 100 से तो ज़्यादा कट ऑफ हो ही नहीं सकता, राइट? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ दोस्तों कि मैंने खुद एग्जामिनेशन दिया है IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का लेवल जांचने के लिए, और क्यों दिया क्यों नहीं दिया वो अलग डिबेट है, जिसको लोग 50 बार बोलते आ रहे हैं कि भैया तूने क्यों दिया जब ऑलरेडी तूने बोला था नहीं दूंगा करके, उस पर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और ये छोटे बच्चों वाली बातें मत किया करो, राइट? जो वंस एक्सप्लेन किया गया है उसी बात को पकड़ के 50 चीज़ें रट्टा मत मारो आप, है ना। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मुझे ऐसा कर करके 2019 मेरा गुजर गया, 2020 में कैसे अपने आप को हासिल कर पाऊँ, अपने आप को किस कौन से मुकाम में देखूँ, ये अगर आपको सोचना है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आपने 80-85 बनाया है, कोई कोई सेट्स में हो सकता है टफ आया था जितना मैंने सुना है, मेरे सेट में तो ईजी था, ऑब्वियसली फर्स्ट सेट थोड़ा ईजी होता है, फर्स्ट दिन का फर्स्ट शो जो होता है काफ़ी ईजी होता है, ब्लॉकबस्टर होता है वो। तो उसी तरह दोस्तों मैं मानता हूँ कि 80-85 ये अच्छे स्कोर्स हैं जो शायद आपको प्रीलिम्स नहीं, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इन पर ध्यान मत दो, अगर आपने 80-85 बनाया है तो आप, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप ऑलरेडी मेंस के लिए तैयार हो, है ना। और जिन्होंने फिर 70-75 बनाया है, होगा नहीं होगा ऐसे द्वंद्व में रह जाएंगे लोग, तो मैं उनसे बस ये गुजारिश करूंगा कि आपके बस में नहीं है अभी, है ना। 70 हो के भी 80 हो सकता है और प्रीलिम्स निकाल सकते हो, 70 हो के भी 65 हो सकता है प्रीलिम्स नहीं निकला, तो
यहाँ पे दुख मनाने वाली चीज नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है कि अगर खुदा ना खास्ता सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, राइट। और खुदा करे सिलेक्शन हो गया और आप बस इसी ख्वाबों में जिए रहे कि होगा नहीं होगा करके, तो फिर आप बहुत पीछे हो, बहुत ज़्यादा पीछे हो यार। आप समझो आज 16 तारीख हो चुका है, शायद एक घंटे के बाद आज रात ही बीत जाएगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको यकीन मानना पड़ेगा अभी कि आपके पास 32 दिन है, 32 डेज। मुझे नहीं लगता 32 डेज इज़ पार सफिशियंट फॉर यू टू प्रिपेयर मेन्स एग्जामिनेशन। किस हिसाब का आजकल का मेंस एग्जामिनेशन है वो शायद आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आप जुट जाइए, 80-85 आपने बनाए हैं तो यू आर सेफेस्ट अटेम्प्ट में हो, 70 बनाए हैं आप भी जोन में हो, 65 बनाए हैं आप भी जोन में हो। ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है आपके स्टेट में कितने वैकेंसीज हैं, आपके शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अनेक चीज़ों का एक ही चीज़ है दोस्तों कि अगर आपने अपने जहनी तौर पे अगर आपने अपने सेटिस्फाई किया है तो आप एग्जामिनेशन निकाल चुके हो और अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो इन ख्वाबों में जीके की होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन में लग जाइए और 70 बनाने वाला भी चांसेस में है और 80 बनाने वाला भी शायद हो सकता है कि उसका नहीं निकले, बिकॉज ऐसा कई मर्तबा हमने देखा भी है और एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो आपको ये भी बता देता हूँ, तीन चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा आप लोग के काम की चीज़ें। स्टूडेंट फरमाइश ने वायदा किया था कि दिसंबर 1 से करंट अफेयर्स लेके आएगा। आप कहाँ हो आप? स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करिए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के नोट्स मिल रहे हैं, डेली 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 मतलब डेली, समझ रहे हो। मैं खुद उसको अपलोड करता हूँ, पहली बात है खुद का है हमारा वो, है ना। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, IBPS क्लर्क मेंस का जो टेस्ट सीरीज़ अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो हमारा भी ख़रीद सकते हो आप, मैंने उसको ड्रॉप डाउन कर दिया है, प्राइस 199 बना दिया, आप कर सकते हो। तीसरा चीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के कोर्स लॉन्च होने वाला है। बस ये तीन चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता था और ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो कि शायद आपका सिलेक्शन हो सकता है और आगे क्या करें ये सोच रहे हो आप। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शब आके लवल, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लेकिन पहले आपको यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को आके ज्वाइन कर लेना है, कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शब आके लवल, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।